ठीक है, तो ये प्रश्न हम ले लेते हैं, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बैंक्स सिलिकॉन वैली में और हर जगह काफ़ी सारे बैंक्स फेल हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं कि और बैंक्स लगातार फेल होते रहेंगे। तो ये ट्रेंड किस तरफ जा सकता है, ये सवाल है जयप्रकाश जी का, क्योंकि आप लोगों ने अपने जीवन का अधिकतर समय अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर लगाया था और अब वो ख़तरे में आ रही है ना, क्योंकि आपने जितनी मेहनत करी है वो पैसा उठा के बैंक में डाल दिया। अब हमें पता ही नहीं, वो ड्राइवर तो पागल हो चुका है बैंक का, वो गाड़ी आपको जाना है पटना, वो आपको लेके जा रहा है जम्मू कश्मीर। तो इसका बहुत सीधा सीधा सा सरल सा जवाब है, देखिए आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आप समझते हैं, फ्यूचर किस तरफ जाएगा वो प्रिडिक्ट नहीं करते वो लोग, वो लोग क्रिएट करते हैं, ये आप समझते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्लियर कर रखा है, क्योंकि हर देश की इन्वेस्टमेंट किस तरफ होगी वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जहाँ बोलता है वहीं होती है। कोई भी पॉलिसीज आप इस इल्यूजन में ना रहें कि गवर्नमेंट क्रिएट करती है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि गवर्नमेंट का आइडिया आया था कि हम डिजिटल करेंसी लाएंगे, ऐसा कभी नहीं था कि गवर्नमेंट का आइडिया था हम फाइनेंशियल इंक्लूजन लाएंगे, ऐसा कभी नहीं था कि गवर्नमेंट का आइडिया होगा हम CBDC लाएंगे। हमेशा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो चीज़ 15 साल पहले बोलता है वो अब जाकर हर देश अप्लाई करता है, क्योंकि इतना मेंटल वॉशिंग में इतना टाइम लगता है, क्योंकि वाया मूवीज, वाया एजुकेशन सिस्टम, वाया डॉक्टर्स की कोर्सेज, जो डॉक्टर्स MBBS बच्चे बनते हैं, IAS की पढ़ाई होती है, वो चेंज करने में इतना पीरियड 15 साल का लगता है। तो हमेशा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का टारगेट फ्यूचर जनरेशन होता है, आप नहीं होते हो। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्लियर कर रखा है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा, या तो हमसे लड़ाई कर लो, ओपन आ जाओ, जो लड़ाई करेगा उनको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि उन लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाला बोला जाएगा। और ये बिल ऑलरेडी पास हो रखा है कि जो भी सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ, USA का मैं आपको बिल बता रहा हूँ, सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ कुछ बोलेगा या YouTube पे बोलेगा USA में, तो वो जब चाहे USA की सरकार उसे टेररिस्ट घोषित कर सकती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्लियर कर रखा है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा, आप यहाँ पे डरिएगा मत, क्योंकि इसका समाधान बहुत सरल सा है, लेकिन अभी आप ट्रेंड जान रहे किस तरफ जा रहा है। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने का क्या मतलब होता है, जैसा आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा कि सब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मशीन्स आ गई, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी आ गई, हर घर घर बिजली पहुंच गई, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंटरनेट आ गया था, और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ह्यूमन और इंटरनेट मर्ज हो जाएंगे, आपकी पूरी बायोलॉजी चेंज होगी, सारे के सारे कनेक्टिविटी चेंज होगी, मेटावर्स आएगा और ट्रांसह्यूमनिज्म की तरफ इंसान जाएगा। ये ओपन है, ये कोई भी हिडन बात नहीं है, ये हर जगह फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पर भी पढ़ते हैं, तो उन्होंने A to Z अपना सारे एजेंडा लिखे। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ ही तब सकता है जब एक चीज हो जाए, वो क्या चीज हो जाए, जब इंसान क्रिप्टो करेंसीज में शिफ्ट हो जाए, वो वाली क्रिप्टो करेंसीज नहीं जो अनरेगुलेटेड है, वो वाली क्रिप्टो करेंसीज जो सरकार लॉन्च करना चाहती है। अभी तक जो आपकी करेंसीज हैं वो RBI के अंडर आती हैं, इसके थ्रू RBI कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अब जो ये क्रिप्टो करेंसीज आई अचानक से, ये अभी किसी के अंडर नहीं थी, लेकिन अब जो CBDC है ना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, उसमें बैंकों का पत्ता साफ हो जाएगा। अलग अलग प्रकार की क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, जो CBDCs अलग अलग प्रकार की होगी, किसी किसी में बैंक इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी किसी देश में आ सकती है जिसमें बैंक इंटरमीडियरी का काम करें, किसी किसी में हो सकता है कि बैंक का कुछ भी रोल ना हो, वो देशों के ऊपर है कि कौन से मॉडल को अडॉप्ट करेंगे, अभी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। लेकिन फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिर्फ तभी आ सकता है जब हर किसी के पैसे क्रिप्टो करेंसीज में शिफ्ट हो जाए, यानी कि CBDC में, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में। अगर CBDC में नहीं शिफ्ट हुए तो ड्राइवरलेस कार्स नहीं आ सकती, ड्राइवरलेस कार्स ऐसे नहीं आएंगी कि हम सब गाड़ियां खरीद लें और ड्राइवरलेस कार चलाएं, ड्राइवरलेस कार्स वो लाना ही चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप पे गाड़ी है आप पे फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी है, आपको पकड़ा नहीं जा सकता, आप पे वारंट निकला आप छोड़ के भाग गए, आपको कहाँ कहाँ पकड़ेंगे, CCTV कैमरा में नहीं पकड़ा जाता इतना, बहुत मुसीबत है जब इंसान की मोबिलिटी फ्री है। ड्राइवरलेस कार वो हर हाल में लाना चाहते हैं, उन्होंने अपने बहुत सालों से बोल रहे हैं, बहुत पुरानी बातें हैं ये, और वो उन्होंने पूरा का पूरा एजेंडा बता रखा है कि सबसे पहले ड्राइवरलेस कार हम लोग ओन करेंगे, उसके बाद ड्राइवरलेस कार ग्रुप्स ओन करेंगे, 5 लोगों ने मिलकर एक ड्राइवरलेस कार खरीद ली, और उसके बाद तो आप ये समझें कि अब CBDC सिर्फ तभी आएगी जब आप बैंक से अपना पैसा निकाल लो। बैंक से आप पैसा कब निकालोगे, जब ये चारों तरफ ये खबरें फैलाई जाएं, जो कि अभी लोगों की हालत खराब हो रखी है, क्योंकि फॉरेन में बहुत लोगों के मनी बहुत रिस्क में है, वो पैसा किधर रखें वो लोग,
तो अब अगर वो लोग किसी तरह क्रिप्टो करेंसीज ले आए तो उनका फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अप्लाई हो पाएगा, क्योंकि ड्राइवरलेस कार बिना क्रिप्टो करेंसीज के नहीं चल सकती। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिना क्रिप्टो करेंसीज के नहीं चल सकता। मेटावर्स बिना क्रिप्टो करेंसीज के नहीं चलेगा। आपकी डिजिटल आईडी बिना क्रिप्टो करेंसीज के नहीं चलेगी। उनका ए टू जेड एम है आपको क्रिप्टो करेंसीज पर शिफ्ट करना, वो भी सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो अभी अभी डिजिटल रुपी के नाम से आप लोगों ने सुना होगा। अगर आप में से किसी को थोड़ा भी कंफ्यूजन है डिजिटल रुपी क्या होता है तो हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे, है ना, डिजिटल रुपी क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो अब वो चाहते हैं कि हर जगह ये खबर फैल जाए कि इंसान अपना पैसा बैंक से निकाल लें। अगर इंसान अपना पैसा बैंक से निकालेगा तो इंसान पे दो ऑप्शंस बचेंगे, या तो गोल्ड पर डाले या फिर सरकार की सीबीडीसी खरीदे। उनका सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई थी कि आप लोग जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद तो लोगों ने अपने नोट डिजिटल शिफ्ट कर दिए, लेकिन आज फिर से डिजिटल मनी बहुत लो पे चले गया है और करेंसी नोट्स कागज के नोट्स बहुत हाई पर फिर से चले गए। तो अब वो लोग नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। उनका सारा का सारा कोशिश है कि आप लोगों का बैंक से ट्रस्ट टूटे, और बैंक से ट्रस्ट टूटना भी चाहिए क्योंकि बैंक्स में बहुत रिस्क है। हम सब क्या कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, आप ये समझें, ये क्लियर हो जाए। आप इसमें आप कोई दोराय नहीं रखें, इसमें आप कोई देखिए, जो अभी क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं वो अलग चीज है, सीबीडीसी अलग चीज है। और अभी आप लोग बेसिकली कोई भी प्लान बना ले सरकार उसको बैन कर देंगी। अगर अभी भी आप क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो वो तो बहुत कठिन हो चुका है आज की तारीख में। टैक्स बहुत बढ़ा चुके हैं, जीएसटी लगा चुके हैं, मतलब कुछ प्रॉफिट नहीं बचेगा इंसान को, ऐसा बना दिया उन्होंने क्रिप्टो करेंसी। तो आप अगर कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं ना वो उसको बैन कर देंगे अगर उनके नैरेटिव से के खिलाफ जा रहा होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर अपनी फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए तो आप गोल्ड में लगाएं पैसा, क्योंकि लास्ट ऐसा नहीं कि गोल्ड 100% श्योर शॉट है कि गोल्ड में कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी फ्यूचर आपकी फैमिली के लिए बहुत सिक्योरिटी होगी। गोल्ड लास्ट वो चीज होगी जो कोलैप्स करेगी, वो गोल्ड होगा। प्रॉपर्टी लिक्विड मनी नहीं है। अगर प्रॉपर्टी के दाम गिर गए तो आप प्रॉपर्टी बेचकर पैसा नहीं ला सकते, कोई खरीदने नहीं चाहेगा आपकी प्रॉपर्टी, किसी पे पैसा ही नहीं है तो प्रॉपर्टी कैसे खरीदे। लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज है कि वो सरकार रेडीली लेती है। गोल्ड के बहुत मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं। साथ ही आप ये समझे, पेपर गोल्ड या फिर फिजिकल गोल्ड, तो पेपर गोल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता पृथ्वी पर। ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको हम बहुत बार कवर करते हैं और ये आप सबको पता होने चाहिए, क्योंकि मनी एग्जिस्ट नहीं करता है। मनी उनकी मर्जी होती है। मनी वो इसलिए देखे, इनइक्वालिटी को कैसे मैनेज करा जाए तो वाया मनी साबित मैनेज करी जाती है। आप लोग कमजोर क्यों मानते हो, आप लोगों के अंदर हीन भावना कैसे पैदा करी जाए ताकि आप लोग अटेंशन अपने मेडिटेशन पर न लगा पाओ। तो आप लोगों के अंदर हीन भावना पैदा करने का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसे बोलते हैं मनी सिस्टम। आप लोग अपने को हीन मानते हो, आपके सामने अमिताभ बच्चन आएगा, आप हाथ जोड़ोगे, जबकि वो प्रोफेशनल झूठा है, यानी कि झूठ बोलने की एक्टिंग करता है। ये सारा का सारा मनी सिस्टम होता है कि जो लोग उनके एजेंडा से मेल खाते हैं उन लोगों के अराउंड जो जॉब्स बनेंगी उन जॉब्स में मनी फेंको, ट्रॉफीज मिली है। तो ये सारी चीजों जो उनके नैरेटिव से मेल खाती है उन चीजों पर पैसा फेंका जाता है। पैसा बस ये है, आप चाहे तो बहुत अमीर बन जाना तो आप वहां पर पैसा इन्वेस्ट करो जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पैसा इन्वेस्ट करता है। उनके नैरेटिव्स में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि आप सब जानते थे कि फाइजर में, अगर उस वक्त 2 साल पहले लोग हमसे पूछते थे कि फाइजर में पैसे इन्वेस्ट कर दे तो अमीर बन जाएंगे, हम बोलते थे बिल्कुल अमीर बन जाओगे, अब फाइजर में पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आप अमीर बन जाओगे। लेकिन एक सही और एक गलत डिफरेंट चीज है ना, हमें गलत रास्ते पर नहीं जाना है। चोरी करना और फाइजर पे मनी इन्वेस्ट करना सेम चीज है, ड्रग्स पर इन्वेस्ट करना सेम चीज है। तो अगर जो भी जॉब्स जो भी बुक्स आती है मार्केट में, आप चाहते हो फेमस बुक राइटर बन जाए, शायद जयप्रकाश जी भी पूछ रहे थे बुक लिखना चाहते हो, तो आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तारीफ करते हुए बुक लिख दो तो वो बुक्स हर जगह स्प्रेड करी जाएंगी, आपको प्रमोट करा जाएगा। तो मनी का सिर्फ इतना सिस्टम है, मनी इतना काम करता है कि कैसे आप लोगों के माइंडसेट को उनके माइंडसेट से जोड़ दें, तो उनके माइंडसेट वाली जॉब से पैसा फेंका जाए तो ऑटोमेटिकली आप मनी के पीछे भागते हैं तो आप उनके पास पहुंच जाओगे। वो खींच रहे हैं आपको वाया मनी ना, वो ऑन पर्पस आप लोगों की अटेंशन तोड़ना चाहते हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा, पेपर मनी आप मनी समझ रहे हैं कि वो प्रिंट करते हैं, 1970s के बाद से मनी प्रिंटिंग हो रही है, एट जब मर्जी है वो प्रिंट कर सकते हैं अपने नैरेटिव्स को प्रमोट करने के लिए।
अब आप बोले पेपर गोल्ड, जो आपने सवाल है आपका पेपर गोल्ड, तो पेपर गोल्ड क्या है, आप गोल्ड ले लो और बदले में प्रॉमिस का कागज पकड़ा दो। पेपर गोल्ड और मनी में जीरो डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब पेपर करेंसी उनका मेन एम है आपसे गोल्ड छीन लिया जाए। 1930s में ग्रेट डिप्रेशन जब आया था ना, पहला ग्रेट डिप्रेशन 1930s में, मैंडेटरी रूल बन गया था कि हर एक इंसान को अपना यूएसए में अपना सारा का सारा सोना सरकार को पकड़ाना है, वरना पुलिस उसके घर में घुस के, जैसे वैक्सीन लगाती थी तो पुलिस उसके घर में केसेस हो जाते थे लोगों पे, ये तुमने गोल्ड कैसे रखा। कोई डरने वाली बात नहीं है, आप लोग मत डर जाइएगा कि आने वाले 4-5 साल बाद या 6 साल बाद ये फिर से लॉ आ जाए यूएसए में और कनाडा में, जो 1930s में आया था। उन्हें गोल्ड चाहिए, मैंडेटरी कर दिया था कि गोल्ड लाओ वरना आपको सजा हो जाएगी, जैसे वैक्सीन नहीं ली तो आपको ट्रांसफर ट्रेवल नहीं करने दिया जाता, वैसे गोल्ड लाओ वरना आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। इतना करप्ट इतिहास रहा है यूएसए का, वो छुपा दी गई है सारी बातें, ये पूरे के पूरे सिस्टम को। आप बस मनी को इतना समझें कि आप मनी इसलिए कमा रहे हैं ताकि आप फ्री टाइम क्रिएट कर पाए अपनी लाइफ का, जो आपका पर्पस है उस तरफ जाने के लिए, लाइफ का जो आपका पर्पस है उस तरफ जाने के लिए आपको मनी की वजह से फ्री टाइम मिल पाता है। आप पैसा कमाते हो ध्यान के लिए, ना कि ध्यान करके पैसा कमाना है। ऐसा नहीं कि ध्यान करके आपके क्या ज्यादा अच्छा जॉब में, ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आप दूसरे लोगों से ज्यादा इजीली फोकस कर पाएंगे तो ऑब्वियसली आप ज्यादा मनी कमाएंगे। आपको वो पेपर गोल्ड और करेंसी को आप अभी सेम समझे, बुक्स में डिफरेंट लिखी होगी लेकिन जब आप बुक्स के बाहर भी समझेंगे तो एग्जैक्टली सेम है। आप लोगों का फ्यूचर में एम रखें कि आप अगर संभव हो तो आप गोल्ड निकाल लें थोड़ा अपने लिए, वो लास्ट होगा जो कोलैप्स करेगा। कोलैप्स करने को तो वो कुछ भी करवा सकते हैं, आप गोल्ड से अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन कर सकते हो। अगर आप पे थोड़ा और मनी है, या तो आप प्रॉपर्टी खरीद लो छोटी सी जिसमें आप खुद की खेती कर पाओ, खुद की खेती कर पाओ, और जब खुद की खेती कर पाओ तो आप फ्री हो पाओगे, क्योंकि इसके अलावा या तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फेल होगा और आप लोग जीतोगे, या फिर अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एजेंडा क्लियर हुए तो क्रिप्टो करेंसीज आएगी। आप लोग अपना, अगर आप पे थोड़ा ज्यादा मनी है, आप लोग अपना एक विलेज में लैंड लीजिए। देखिए अंत में तो आपको लैंड भी नहीं बचा सकता, अंत में तो उन्होंने फैसला ले लिया है तो आपको गोल्ड भी नहीं बचा सकता, वो तो मैंडेटरी ऑर्डर पास कर देंगे। अभी भी आप लोग शायद जानते ही होंगे 2 लाख से ज्यादा रुपए की आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, 2 लाख से ज्यादा कैश में आप दे नहीं सकते किसी को इंडिया में, वो मैंडेटरी कर देंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आना है अब, क्योंकि अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड नहीं उगाते तो आपका कार्बन टैक्स लगेगा, वो स्टार्ट कर चुके हैं, उन्होंने मॉनिटरिंग सिस्टम बना दिया है, जो उन्होंने एक सिस्टम बनाया है बिल गेट्स ने मिलकर और आपका जेफ बेजोस ने मिलकर एक सिस्टम बनाया है जो मीथेन को सैटेलाइट्स की मदद से ट्रैक कर लेगी। उन्होंने अपनी ही वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि जो जो इंसान मीथेन ज्यादा रिलीज करेगा उसको हम ट्रैक करके सरकार को डेटा पकड़ा देंगे, अब सरकार उस पर टैक्स लगाए चाहे उस पर सजा लगाए। और कौन सी मीथेन को रोकना चाहते हैं, वो उस मीथेन को रोकना चाहते हैं जो गायों से रिलीज हो रही, काउ से रिलीज होती है और खेती से रिलीज होती है, डायरेक्ट उन्होंने लिखा हुआ है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड उनका टारगेट नहीं रह गया, पहले बोलते थे ना वो ग्लोबल वार्मिंग रोकनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड घटाओ, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड घटाएंगे तो हमें तो अपने ट्रैवल रोकना पड़ जाएगा, हमने अपना प्राइवेट जेट रोकना पड़ जाएगा। लोगों की बुद्धि तेज है, लोगों ने बोला आप प्राइवेट जेट में क्यों उड़ रहे हो, तो उन्होंने सारा का सारा एजेंडा शिफ्ट कर दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रोकना चाहते अब वो पृथ्वी से, अब मीथेन रोकना चाहते हैं। मीथेन कहां होता है, फूड से मीथेन आता है, राइस की एग्रीकल्चर से मीथेन आता है, दूध जो आप पीते हो ना गाय से, पूरा चीज बर्गर जो आप खाते हो चीज वाला या चीज आता है, पनीर आता है, दही आती है, घी आता है, उससे मीथेन रिलीज होता है, फूड में मीथेन रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल में रिलीज होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड से अपना एजेंडा शिफ्ट कर दिया और भारत की सरकार ने सीधे के सीधे उनका, तो उन्होंने कह दिया कि आप सब लोग ये स्कैम कर रहे हो, स्कैम शब्द नहीं बोला, सीधे पलट गए उनके उस एजेंडा से। अब हम मीथेन कैसे रोक दें, भारत सरकार ने बोला लोग भूखे मर जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में भारत की सरकार को राइस कल्टीवेशन मैंडेटरीली शिफ्ट करनी पड़ेगी जीएम एग्रीकल्चर में। तो आप लोग अगर गांव भी चले गए कोने में, आप लोग अगर 15 साल, ये बहुत फास्ट होने वाला है, ऐसा आपको 15 साल भी मैं बोल रहा हूं कि मिलेंगे, बहुत मुश्किल है 15 साल मिलेंगे, कुछ नहीं पता किसी को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्लॉज शॉप बोल चुका है इट विल बी लाइक अ सुनामी, सुनामी की तरह आएगा ये सब, क्योंकि सेटअप कंप्लीट है उनका, सारा सेटअप कंप्लीट है, उनका A to Z सारा सेटअप कंप्लीट है,
पूरे दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लग चुके हैं, 5G आ चुका है, 6G आ जाएगा कुछ सालों बाद, उनका सारा सेटअप कंप्लीट है, ड्राइवरलेस कार्स बन चुकी हैं, बैटरी की मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो रखा है, आइसोलेशन चैम्बर्स पूरी दुनिया में बन चुके हैं, उनका सारा सेटअप स्टार्ट है। और ये बातें अभी तक छुपी हुई थी, आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट देखोगे, वो तो अपने वेबसाइट पे लिख रहे हैं, तो वेबसाइट पे लिख रहे हैं सारा कि भारत की सरकार को, हर देश को राइस कल्टीवेशन छोड़कर जीएम राइस उगाना पड़ेगा, वरना आप लोगों पे टैक्स लगेगा। अब आप कहीं गांव चले गए, अपना प्रॉपर्टी, अपना खाना उगा रहे हो, वो तो ट्रैकिंग हो जाएगी, ट्रैकिंग सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुकी है, पूरी ऑब्जर्वेटरी है उनकी, यूनाइटेड नेशन की पूरी ऑब्जर्वेटरी, IMOE है शायद उसका नाम उस ऑब्जर्वेटरी का, वो ऑब्जर्वेटरी में सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुकी है, आपकी मिथेन ट्रैप कर लेगी। तो आप चाहे उत्तराखंड के किसी गांव के कोने में बैठे हैं ना, तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप यहां पर जीएम नहीं उगा रहे, क्योंकि जीएम से मिथेन कम रिलीज हो रही है और आपकी एग्रीकल्चर में मिथेन ज्यादा रिलीज हो, आपको पकड़ लिया जाएगा, आपके मस्तिष्क में चिप थोड़ी लगानी पड़ेगी उन्हें, वो तो ऐसे कैच कर लेंगे, वो लाई मिथेन गए, जबकि मिथेन का पूरा पूरा एजेंडा है, ये तो इंडिया की सरकार ने खुद बोल दिया कि मिथेन का एजेंडा तो आज से पहले कभी था ही नहीं, अचानक से तुम कैसे ले आए मिथेन। जो इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट होती है ना, उसके अंडर मिथेन का भी था ही नहीं इतना सीरियस मुद्दा, अचानक से उन्होंने मिथेन पे शिफ्ट कर दिया। तो आप लोग देखिए, एंड में तो आपको एग्रीकल्चर भी नहीं बचा पाएगा, अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले सक्सेसफुल हो गए तो फिजिकली रूप में तो आप वैसे भी नहीं बचोगे, अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से बच गए तो मृत्यु थोड़ी छोड़ेगी आपको, तो मृत्यु जकड़ लेगी आपको, आप कसरत नहीं करते हो तो बीमारियां जकड़ लेगी आपको, आप तनाव में रहते हो तो बीमारियां जकड़ लेगी आपको, आप में इंपेशेंस है तो बीमारियां जकड़ेंगी आपको, इंपेशेंस तनाव का कारण बनेगा, इंपेशेंस चिड़चिड़ेपन का कारण बनेगा, तो बीमारियां तो जकड़ेंगी, तो अंत में तो आपकी हीलिंग आप ही करोगे। यूरोप में कीड़ों के पाउडर का खाना बिकना शुरू हो चुका है, तो फ्यूचर प्लानिंग में गोल्ड, मैंने आपको बताया वो जब चाहे ऑर्डर पास कर सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं आपसे, वो जब चाहे मिथेन की ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है, अब बस गवर्नमेंट को एक्सेस देनी है। तो सारे के सारे आप बैंकिंग में भी ये हो सकता है, वो CBDC लाइन हो क्या सकता है, होना तो है ही, उसके अलावा तो कुछ नहीं है, फिर उसके अलावा तो आपके ऑप्शन है। या दूसरी चीज है कि आपको जब जो सेफ्टी चाहिए ना, आपकी सेफ्टी और आपकी फैमिली की सेफ्टी बाहर की दुनिया में नहीं है, बाहर की दुनिया आप लोगों की दुनिया नहीं है, मैं आपको कई बार कहता हूं, ये दुनिया आप लोगों की इल्यूजन है। आप लोगों को जब तक ये समझ नहीं आएगा कि मृत्यु कोई दिक्कत नहीं होती, आप लोगों को जब तक ये समझ नहीं आएगा कि अगर अभी माता या पिता में से किसी की मृत्यु हो जाए तो वो दुख, वो आंसू आपकी मूर्खता है, वो अज्ञान है। क्योंकि सबसे कीमती चीज जो इंसान का शरीर इस पृथ्वी को दे सकता है वो अपना शरीर है। अगर एक इंसान की मृत्यु एक दिन भी टल गई तो पूरी की पूरी पृथ्वी कोलैप्स कर जाएगी। आपको मृत्यु को समझना पड़ेगा, जब आप मृत्यु को समझोगे, आप उस पर ध्यान लगाओगे, तो आपको सारी की सारी साइकिल समझ आएगी। क्या आप सिर्फ इल्यूजन में की वजह से तनाव में जी रहे थे? सबसे कीमती समय आपके जीवन का कब होता होगा? आप लोगों को लगता होगा कि जब हम पैदा हुए, बिल्कुल वो कीमती समय। आप लोगों को लग सकता है जब हम शादी हो रही है, बिल्कुल वो भी एक कीमती समय। आप लोगों को लगेगा कि जब बच्चा पैदा हुआ, वो भी बहुत कीमती समय। लेकिन आपके जीवन का सबसे कीमती समय होता है जब आपकी मृत्यु होती है। आप लोग इस जीवन पर क्यों आए? या तो बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, हनुमान, ये सारे महामूर्ख लोग हैं। अगर ये महामूर्ख लोग हैं तो अब तो ठीक है, फिर तो जीवन यही जीवन है, इसके बाद कुछ नहीं है, फिर खत्म यहां पर, फिर तो ड्रग्स लो। फिर क्यों ड्रग्स नहीं ले रहे? अगर आपको जीवन इतना ही लगता है कि आज खत्म हो जाएगा, 90 साल के बाद आपकी और कुछ नहीं है, फिर लाइफ यहां खत्म हो गई, आप इतनी ही बॉडी हो। अगर जीवन इसके अलावा भी है, अगर ये सारे के सारे महापुरुष झूठे नहीं हैं, तो जीवन का ये मकसद नहीं था जो अभी तक हम सब 40 50 60 साल की उम्र तक कर रहे हैं, ये जीवन का मकसद नहीं था। जीवन का मकसद है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन के प्रति जग पाओ, इतना जग पाओ कि मृत्यु को घटित होते हुए देख पाओ। आप लोग, हम सब अपनी निद्रा को घटित होते हुए नहीं देख पाते, हम सब अपने जीभ का स्वाद नहीं छोड़ पाते, और हम सब चाहते हैं, हम क्रोध नहीं छोड़ पाते, और हम सब चाहते हैं कि शरीर का स्वाद छोड़ दें। ये कैसे हो पाएगा? आप सबका एम होगा कि आप अपने, जिस दिन मृत्यु आएगी, आपके जीवन का सबसे वो कीमती समय है, जितना आपने इस जीवन में सीखा है, जितना अनस्टिमुलेटेड बीइंग बनना आप सीख पाए, वो ज्ञान आपके साथ आगे तक रहेगा,
और वो सिर्फ एक शर्त पर रह सकता है, जब आप अपने को निद्रा में जाते हुए देख पाओ, नहीं मृत्यु पे जाते हुए देख पाओ। मृत्यु घटित होते हुए अगर आप देख गए तब आपकी लाइफ का कोई पर्पस है, वरना पूरी लाइफ पर्पसलेस है, पूरी लाइफ पर्पसलेस है। आप लोग जो जीवन जिया है, या आपको लगता है आपने पहली बार जीवन जिया है, आपका पहला जन्म हुआ है, हाँ हो सकता है पहला जन्म हर उस इंसान के लिए, या फिर आप सब लोग अपने घरों से कृष्ण की मूर्ति उठाकर फेंक दो कीचड़ में, कृष्ण महामूर्ख हैं। फिर अगर आप लोगों को लगता है आपका पहला जीवन है और ये आखिरी जीवन है, तब फिर कृष्ण की मूर्ति फेंक दो। लेकिन आपकी लाइफ का पर्पस है ज्यादा से ज्यादा जग पाओ, अपने मृत्यु को घटित होते हुए देखना पड़ेगा आप लोगों को। और आप लोग उस वक्त जो सबसे कीमती वक्त है, अब जो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूं, ये बातें ओपन में लोगों को नहीं बताई जा सकती, इसलिए बातें छुपाई जाती हैं लोगों से, क्योंकि लोग फिर घबरा जाते हैं, इसलिए तो लोगों अलग अलग लोगों को अलग अलग बातें बतानी पड़ती है। आप लोगों की लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट समय होता है, उस वक्त आप लोग नशे में होते हो ड्रग्स के, यानी कि एलोपैथी के मेडिसिन के।